सबसे पहले इकोनॉमी के मोर्चे पर कुछ चिंता और कुछ अच्छी खबर। अगस्त में रिटेल महंगाई जहां मामूली रूप से बढ़ी है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन में तेज़ी अभी भी बनी हुई है। अगस्त में रिटेल इन्फ्लेशन 3.5% से बढ़कर 3.65% पर आ गया है। वहीं जुलाई में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पिकअप किया है 4.8% से, इसकी रफ्तार के साथ ये ग्रो किया है। और दोनों आंकड़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जुड़ गई हैं। अदिति, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहले कमेंट्री महंगाई पर, एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। इस बार एक्चुअली महंगाई का आंकड़ा हमारे अनुमान से थोड़ा सा ऊपर आया है, जो खाने के आइटम्स हैं उनकी वजह से। हमने 3.2% का अनुमान लगाया था और आंकड़ा इससे ऊपर आया है, 3.7% के आसपास, और पिछले महीने से कम होने की जगह थोड़ा सा ऊपर गया है। अब ये एक्चुअली लास्ट महीना है जहाँ पे बेस इफेक्ट बहुत फेवरेबल है, और हमारा अनुमान ये है कि अगले महीने जो आंकड़ा आएगा वो जंप करके 4.8% पे चले जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो पूरे क्वार्टर का एस्टिमेट बन रहा है CPI इन्फ्लेशन का, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अनुमान से कम ही है। तो एक अंडरशूटिंग अभी भी देखी जा रही है CPI इन्फ्लेशन में MPC के क्वार्टरली एवरेज के मुकाबले। जी, तो ये हुई महंगाई की बात। IIP का डेटा भी आपने देखा पिछले क्वार्टर में, जो GDP ग्रोथ देखने को मिली। अब IIP को उसके सामने रख के देखते हैं, ग्रोथ और महंगाई के लिए इस साल की तस्वीर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, IIP का आंकड़ा हल्का सा इंच अप हुआ है, 4.8% की ग्रोथ आई है IIP में। लेकिन अगर हम इसको डिसएग्रीगेट करें तो बहुत ही अनइवननेस है डेटा में। एक हाथ पे आपके कैपिटल गुड्स की ग्रोथ 12% पे आई है, गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग पिकअप जैसे ही होनी शुरू हुई इलेक्शंस के बाद, हमने कैपिटल गुड्स में एक अच्छी इम्प्रूवमेंट देखी है ग्रोथ में। लेकिन साथ ही साथ दूसरे हाथ पर हमारे पास कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ की कॉन्ट्रैक्शन आई है और कॉन्ट्रैक्शन वर्सन भी हुई है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अभी भी एक जो क्लियर ट्रेंड है वो ये है कि अनइवननेस बहुत है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की मोमेंटम में अलग अलग सेक्टर्स में, और शायद रूरल और अर्बन में भी अभी काफ़ी डाइवर्जेंस चल ही रही है कंजम्पशन की। अगर हम और देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 8% की ग्रोथ है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में कॉन्ट्रैक्शन है, यू नो, ओवरऑल पॉइंटिंग टू अ वेरी अनइवन इकोनॉमिक मोमेंटम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति हमसे जुड़ने के लिए। पढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के बाजार की। आज बाजार में तेजी का गुरुवार रहा, निफ्टी एक्सपायरी का भी दिन था और बाजार में आज रिकॉर्ड तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1440 और निफ्टी 470 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। आज IT बैंकिंग शेयरों में अच्छी तेजी रही। तेल गैस फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। मेटल FMCG ऑटो शेयरों में भी खरीदारी रही। बाकी हाल समझते हैं सुमित से। बताइए सुमित, सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ देखने को मिला? तो निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर अगर नज़र डालें तो आज मेटल लीड कर रहा था, इसमें हिंडालको सबसे ऊपर नाम शुमार था। फिर भारतीय एयरटेल 4.5% का उछाल यहाँ, NTPC 4% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस करीब करीब 4% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली। मिड कैप में CG पावर 6% का उछाल यहाँ रहा। कल्याण ज्वेलर्स 5% की तेज़ी में कामकाज कर रहा था। L&T फाइनेंस 5% का उछाल और NMDC करीब करीब 4% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में बायोकॉन 2.5% नीचे, नायका 2% नीचे, यस बैंक 2% नीचे और JSW इन्फ्रा करीब करीब 1.5% के आसपास बिकवाली यहां रही। F&O में आज लीड कर रहा था कैनफिन होम, L&T फाइनेंस होल्डिंग, NMDC और LIC हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि NBFC स्पेस जहां पर अच्छी खरीदारी थी। और साथ साथ F&O गिरने वाले शेयरों में ग्रेन्यूल्स 16.5% की एक जबरदस्त बिकवाली यहां रही। बायोकॉन 2.5% नीचे, अपोलो टायर 1% नीचे और गुजरात गैस करीब करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ये रहा आज के मार्केट का हाल। इधर ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मेहर वोरा ने CNBC आवाज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान मिहित बोरा ने कहा कि उन्हें घरेलू इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स पसंद हैं और उन्होंने निवेशकों को FMCG टू व्हीलर सेक्टर में निवेश की सलाह दी है। स्ट्रेटजी आई थिंक मोर ऑर लेस सेम ही है, और जैसे आपने ग्लोबल मार्केट्स की बात की, एसेंशियली ये हो रहा है कि जो
इंडिया की जो ट्रैक है वो ग्लोबल इकोनॉमी से थोड़ी अलग चल रही है और बेटर चल रही है। डोमेस्टिक जैसे थीम कहा वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दो तीन मैं कहूंगा, अगर पिछले कुछ महीनों की चेंजेस देखें, फॉर एग्जांपल क्या प्रेफरेंस चेंज हुई है, तो ब्रॉड थीम तो वही है कि डोमेस्टिक सेक्टर्स पॉजिटिव है, तो उसमें यू नो ऑल द फिजिकल एसेट क्रिएशन वाली जो थीम्स है, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो पॉजिटिव है ही। फिनेंशियल्स में बैंक्स अभी रिलेटिवली चीप लग रहे हैं, लेकिन उसमें हम ट्रिगर की वेट कर रहे हैं कि किस तरह से हम इंटरेस्ट रेट्स का जो एक्शन है वो देख के फिर हम बैंकिंग जो खास करके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें ज्यादा फोकस करेंगे। एज ऑफ नाउ हम थोड़े अंडरवेट हैं उसमें। हम विद इन द लेंडिंग कम्युनिटी हम एनबीएफसीज और कैपिटल मार्केट्स लिंक जो प्ले है उसमें ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि जैसे रेट कट आएगी तो ये सब सेगमेंट्स में पहले बेनिफिट होगा। इधर नोमुरा की रिपोर्ट के बाद आज ईएमएस शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई और क्या है नोमुरा की पूरी रिपोर्ट, बता रहे हैं यतीन मोता। देखिए, जहां तक कि ईएमएस सेक्टर, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहां आप बहुत सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो नोमुरा है इनको लगता है कि आगे जो अगले 3-4 साल हैं, 5 साल हैं, 2030 तक एक बड़ी सीएजीआर ग्रोथ आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आते हुए दिखाई पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो ओवरऑल बेसिस पे जो ईएमएस सेक्टर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, जहाँ मोबाइल फ़ोन से लेके लैपटॉप से लेके रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, सारे के सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तरीके से दो कंपनियों के लिए आता हुआ नज़र पड़ेगा, केन्स टेक्नोलॉजीज़ और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। और जो ग्रोथ है और जो एड्रेसेबल मार्केट है वो लगभग 150 बिलियन से ज़्यादा की आपको दिखाई पड़ रही है। अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो नोमुरा का 15,500 से थोड़े ज़्यादा का टारगेट आपको आता हुआ नज़र पड़ रहा है, और केन्स पे भी अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ आपको 6,000 रुपये के टारगेट के आसपास बनती हुई दिखाई पड़ सकती है, ऐसा नोमुरा का मानना है। तो ईएमएस सेक्टर पे जो है नोमुरा बुलिश है, खास करके डिक्सन टेक्नोलॉजीज और केन्स दोनों शेयरों पे खरीदारी की सलाह, और टारगेट प्राइस आपके लिए स्क्रीन पे। देश में ऐसे लाखों लोगों की चिंता दूर हो सकती है जिनके पास 15-20 साल पुरानी गाड़ी है और अच्छी कंडीशन में है। सरकार स्क्रैपेज पॉलिसी में गाड़ियों के अनिवार्य डी रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी की उम्र नहीं बल्कि फिटनेस को आधार बनाने पर विचार कर रही है। नोएडा की ज्योति जैन ने करीब 15 साल पहले अपनी फेवरेट सेडान कोरोला अल्टिस खरीदी थी। ज्योति के लिए ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि उनकी हमराही है। बहुत सारे अच्छे बुरे मोमेंट्स में साथ रही है, तो ऑफ कोर्स देयर इज एन इमोशनल कनेक्ट व्हिच विल बी मिसिंग। ऑल्दो माय कार इज परफेक्टली फाइन, बट एज पर द पॉलिसी मुझे स्क्रैप करनी पड़ेगी, बट मेरा मन नहीं है उसको देने के लिए, बिकॉज बहुत सारी मेमोरीज हैं। नॉट इवन मी, माय डॉटर इज आल्सो मिसिंग दिस कार, कि नहीं अब वो चली जाएगी। जो हम इसमें हम जाते थे, हम मोमेंट्स स्पेंड करते थे, छोटी छोटी चीज़ें, बचपन उनका बड़ा हुआ है, मेरे बहुत सारे करियर में उतार चढ़ाव देखे हैं, लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो लाइक पार्ट एंड पार्सल, लाइक योर होम। केंद्र की स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी कमर्शियल और 20 साल से पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को डी रजिस्टर करना अनिवार्य है। राजधानी दिल्ली में ये नियम और सख्त है, जहां 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर करना होता है। अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने गाड़ियों की एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी में बदलाव के संकेत दिए हैं। इसमें गाड़ियों की उम्र नहीं बल्कि फिटनेस मायने रखेगी। लोगों की भारी मांग के बाद अब सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी की शर्तों में बदलाव पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन का कहना है कि सरकार ये सोच रही है कि क्या गाड़ियों की उम्र के बजाय गाड़ियों की फिटनेस को शर्त बनाया जा सकता है और एमिशन नॉर्म्स के आधार पर गाड़ियों का मैंडेटरी डी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। मसलन BS1 या BS2 की गाड़ियां जहां भी हो उन्हें पूरी तरह से वाहन पोर्टल से डी रजिस्टर कर दिया जाए। फिलहाल ये एक प्रस्ताव ही है, लेकिन सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। इसके लिए सरकार एक ऐसा भरोसेमंद सिस्टम बनाने पर काम कर रही है जो गाड़ियों की फिटनेस और पोल्यूशन का सही सर्टिफिकेट दे। सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी सुझाव मांगे हैं।
इसमें आपको एमिशन नॉर्म्स देखने हैं। अगर कोई भी गाड़ी है वो BS1 हो या कोई भी BS हो, अगर वो एमिशन नॉर्म्स को फेल कर रही है, उसकी वो धुआं कर रही है, तो वो गाड़ी ठीक नहीं है, वो हमारे लंग्स के लिए, हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बहुत सिंपल रिपोर्ट कार्ड है, उसमें कोई ज्यादा चर्चा करने का विषय ही नहीं, तभी वो बहुत एनालिटिकल हो सकता है। हर गाड़ी में, हर इंजन में सेंसर होते हैं, आपको ओटो सेंसर है, एग्जॉस्ट पे सेंसर है, आप वो सेंसर का जो डेटा आ रहा है आपको उस पर डिसीजन लेना है। एक अनुमान के मुताबिक देश में लगभग 1,20,00,000 गाड़ियां मौजूदा नियम के मुताबिक स्क्रैप के लिए तैयार हैं, जबकि सर्टिफाइड स्क्रैपेज सेंटर्स में 2023 में सिर्फ 44,000 गाड़ियां स्क्रैप की गई। फिलहाल देश में स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे में अगर सरकार पॉलिसी में कुछ बदलाव लाती है तो ज्योति जैसे लाखों कंज्यूमर को जाहिर तौर पर राहत मिलेगी, क्योंकि इनकी गाड़ी भले ही पुरानी हो गई हो लेकिन अभी भी हर सफर की साथी है। मेरे सहयोगी रोहन के साथ दीपाली नंदा, नोएडा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए आई नई स्कीम पीएम ई ड्राइव योजना पर भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी रोहन सिंह ने। सर, कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस माइलस्टोन पॉलिसी। अ सर्टेन चेंजेस हैव बीन मेड फ्रॉम द प्रीवियस वन, स्पेशली रिगार्डिंग टू द लूप होल्स ऑफ द प्रीवियस पॉलिसीज। व्हिच स्टेप्स हैव यू टेकन टू इंश्योर दैट दिस विल नॉट बी रिपीटेड इन पीएम ई ड्राइव व्हाट हैपेंड इन फेम 1 एंड फेम 2? आवर मिनिस्ट्री लास्ट टाइम व्हेन द फेम 2 प्रोग्राम स्कीम इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट फेम 2 स्कीम सेवरल लैप्सेस वर देयर। व्हाट आर ऑल द issues we have to separate it. After looking about all those things, that experience, now they have taken several steps not to again repeatedly occur all those faults. For that they have taken very much care. Sir, a lot of focus is on ambulances, on e-trucks. This is a new category, sir. How you think this is going to help the industry and how is it going to transform the electric vehicle segment? In the environment, carbon emission is contributed mostly major thing is in the transport department. Yes, sir. Trucks are the main emission, carbon emission thing is there. For that reason only, to control the carbon emission by the truck transportation, we have decided to encourage them to convert it into electric vehicles. For that reason only, this time we have taken very much interest to encourage e-truck transporters to go for electric vehicles. One last question, sir. Going forward, sir, like some people are asking, why electric cars are not included in this policy? Electric cars, why we have not introduced? Because in electric vehicles, four-wheelers, we have already given sufficient incentives to them, particularly GST reduced to 5%. That is more benefit to them. In ICE vehicles, the GST is 28% plus cess also is there. On that basis only, now actually the persons who are using ICE vehicle and the person who are using e-vehicle, in this issue, the rate is almost all coming closer, rate. For that reason only we decided, we are encouraging electric four-wheelers by giving incentives in tax reduction. Thank you so much, sir. अमीर हो या गरीब, अब 70 साल के हर बुजुर्ग को 5,00,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। कैबिनेट के फैसले से 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा होने का अनुमान है। क्या है पूरी स्कीम, बता रहे हैं आयुष्मान भारत पर अपडेट लक्ष्मण रॉय। दरअसल आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अब तक नियम ये था कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार को हर साल 5,00,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। उस परिवार में अगर कोई बुज़ुर्ग है जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है
तो भी उस परिवार के हिस्से माने जाएंगे और 5 लाख रुपए की सुविधा में वो भी शामिल होंगे, यानी परिवार और बुजुर्ग दोनों को 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी मुफ्त इलाज की हर साल। लेकिन अब जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक हर बुजुर्ग को जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है उनको हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बुजुर्ग आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हों, वो मध्यम वर्ग के भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। कोई भी बुजुर्ग होंगे जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा हो गई है तो उनको हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मान लिया जाए कोई परिवार है जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और पहले से ही आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल है, और उस परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है तो उनका क्या होगा? तो उसके लिए नियम साफ कहता है कि ऐसे परिवार को जो बुजुर्ग हैं उनको अलग से 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, यानी कुल मिला के ऐसे परिवार को 10 लाख रुपए की सुविधा मिलेगी। 10 लाख में 5 लाख सिर्फ उस बुजुर्ग के लिए होगा जिनकी उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि मान लिया जाए कोई परिवार है जो सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न है, आयुष्मान भारत की शर्त को पूरा नहीं करता है, लेकिन उस परिवार में 70 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का कोई बुजुर्ग है तो उनका क्या होगा? तो इस बुजुर्ग को भी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी सालाना, पूरे परिवार को नहीं मिलेगी। अब तीसरा सवाल ये उठता है किसी एक परिवार में 2 बुजुर्ग हैं, दोनों की उम्र 70 साल या इससे ज़्यादा तो क्या होगा? तो यहाँ पर दोनों बुजुर्गों को कुल मिलाकर के 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी, अलग अलग 5-5 लाख रुपए नहीं, दोनों बुजुर्ग को मिला के 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी। अब एक और सवाल उठता है कि कई लोगों के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर ESI हॉस्पिटल की पॉलिसी है तो उनको क्या होगा? तो वो चाहें तो आयुष्मान भारत में शामिल हो सकते हैं, अपनी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ESI हॉस्पिटल वाली सुविधा को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास सरकारी फंड से चलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मिसाल के तौर पर CGHS है, EGHS है, या फिर ऐसे कोई सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो सरकारी फंड से चल रही होती है, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए एक ही विकल्प होगा, या तो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं या फिर आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा उठाएं, दोनों स्कीम साथ में नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो शर्तें मैंने बताएं उस शर्त के तहत, तो उनको सबसे पहले आयुष्मान भारत पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा, फिर इस नए स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्फोसिस के फाउंडर्स में से एक नारायण मूर्ति का कहना है कि बच्चों को अनुशासन में लाना है तो खुद उदाहरण बनकर दिखाएं। क्या है मॉडर्न पेरेंटिंग की चुनौतियां? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर से जुड़े विवादों को दूर करने में काफी सुधार हुआ है और दोनों देशों के बीच 75% तक जो समस्याएं थी वो लगभग सुलझ गई हैं। हालांकि जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत चीन ट्रेड में बहुत ज्यादा असंतुलन है और इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। So we've been negotiating now for close to 4 years. And the first step of that is what we call disengagement, which is that their troops go back to their normal operating bases and our troops go back to our normal operating bases. And where required, we have an arrangement about patrolling, because both of us patrol regularly in that border, because, as I said, it's not a legally delineated border. Those negotiations are going on. We made some progress. I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. We have long struggled with the trade issue. I've been ambassador in China, so I can tell you from my time there that we are talking, 15 years ago, that we feel that the economic relationship with China has been very unfair. It has been very imbalanced. CPM के महासचिव और देश के दिग्गज वामपंथी नेता सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में आज दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। येचुरी को रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया था। उन्हें हाई फीवर की शिकायत पर 19 अगस्त को एम्स की इमरजेंसी में भर्ती किया गया था। येचुरी 1992 से CPM पॉलिट ब्यूरो के सदस्य थे। 2005 से 2017 तक वो पश्चिम बंगाल से
राज्यसभा के सांसद भी रहे। येचुरी का जन्म 1952 में तत्कालीन मद्रास में हुआ था। उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली और जेएनयू से पढ़ाई की थी। उनकी पत्नी सीमा चिश्ती एक पत्रकार हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीताराम येचुरी के निधन पर कहा है कि येचुरी से पिछले 14 साल में उन्होंने काफी कुछ सीखा है, वे हमेशा हम सब के दिल में रहेंगे। अपने विचारधारा के हिसाब से अपनी पक्ष रखते हुए भी उनके साथ जो मित्रता गत 14 वर्षों में बनी, मैं समझता हूं मैंने भी उनसे काफी कुछ सीखा है और वो हमेशा हम सबके दिल में रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस बहुत ही दुखद परिस्थिति में हौसला दे, हिम्मत दे। आरजेडी के नेता मनोज झा ने येचुरी की याद करते हुए कहा कि अब दूसरे कॉमरेड येचुरी की कल्पना करना भी मुश्किल है। अभी हाल में वो बीमार थे, मुझे याद आया ये किताब उन्होंने मुझको दी थी, E=MC², रेंज पढ़ने का, हर चीज को जानने की कोशिश। चुनाव के नतीजे आ जाएं, अच्छा ना हो, मुलाकात होगी तो कहेंगे चुनाव तो आ रहे हैं, हौसला थोड़ी ही आ रहा है। बड़ा मुश्किल है दूसरा कॉमरेड येचुरी की कल्पना करना। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।